Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to solve a block over block problems of H.C. Verma. It is a very beautiful questions जो आपको फिक्शन रिलेटेड सारे कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करने पे मजबूर कर देगा. सो प्लीज कम विथ मी एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके, so the problem statement, and you can see clearly here, is that find the acceleration a1 a2 a3 of the three blocks. ठीक है, shown in the figure. देखिए यहाँ पे तीन ब्लॉक आपको दिख रहा होगा. ठीक है, आपसे इसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन सपोज करिए a1 है, प्रॉब्लम में जैसा मेंशन है. इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन a2 है, इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन a3 है. वो कब, जब 10 न्यूटन का फोर्स, इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 केजी ब्लॉक, 3 केजी ब्लॉक, 7 केजी ब्लॉक. मतलब कहने का ये है कि आपको इन तीनों ब्लॉक्स के इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस को निकालने हैं. कंडीशन मेंशनड है कि इनके बीच का जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इनके सरफेस पे, जैसे कि इस सरफेस पे जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 की वैल्यू 0.2 मेंशनड है. फिर इस सरफेस के बीच जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2 की वैल्यू 0.3 मेंशनड है. और यहाँ जो सरफेस है, लास्ट ब्लॉक जो ग्राउंड पे देख रहे रखा हुआ है, वो फ्रिक्शनल लेस है क्योंकि उसका फ्रिक्शन कॉफिशियंट आपको 0 मेंशनड है. तो आपको तीन सवाल सॉल्व करने हैं, और हर सवाल में जो अप्लाइडेड फोर्स है वो एक्चुअली में कभी 2 केजी के ब्लॉक पे, मतलब अप्लाइडेड फोर्स कभी यहाँ पे लगेगा, दूसरे केसेस में, दूसरे सवाल में 3 केजी के ब्लॉक पे वही 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और तीसरे केसेस में आप लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेंगे, और तीनों केसेस में आपको हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना. तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 1, कि यू आर अप्लाइंग द फोर्स टू द 2 केजी ब्लॉक. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम्स. अब इसमें क्या है कि जब आप 10 न्यूटन का फोर्स आप 2 केजी के ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको मेंशनड है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का, यहाँ पे मेंशनड है μ1 इज इक्वल टू 0.2 मेंशनड है, इस सरफेस का कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 इज इक्वल टू 0.3 मेंशनड है, और इस सरफेस का कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है μ3 वो क्या है, एक्चुअली 0 है. मतलब ये जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है. क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शनल लेस सरफेसेस है. तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको 3-4 केसेस बनते हैं कि आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, और इसके अप्लाइड होते ही ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, ऑल द थ्री ब्लॉक्स इकट्ठे ही एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर दिया. एक ये केस बनता है. दूसरा केस बनता है कि जब टॉप और मिडिल ब्लॉक, मतलब ये दोनों ब्लॉक जो है वो क्या हो गया, एक कॉमन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, टुगेदर मूव कर रहा है, मतलब इनके बीच स्लाइडिंग नहीं हो रही है, और ये जो है क्या हो रहा है, लोअर ब्लॉक मूव सेपरेटली, मतलब इस सरफेस पे जो है सो स्लाइडिंग हुई, इस सरफेस पे स्लाइडिंग नहीं हुई, इस सरफेस पे जाकर के क्या हुआ, स्लाइडिंग हुई. ये भी एक केस हो सकता है. तीसरा केस हो सकता है कि टॉप ब्लॉक मूव सेपरेटली, मतलब ये सेपरेट मूव कर रहा हो, मतलब ये स्लाइड कर रहा हो, किस पे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे, ये दोनों जो है सो इकट्ठे मूव कर रहे हो. ठीक है, बट द मिडिल लोअर ब्लॉक मूव टूगेदर. और चौथा है भाई ऑल द थ्री ब्लॉक्स मूव टूगेदर. चौथा है ऑल द थ्री ब्लॉक्स मूव सेपरेटली. चार केसेस आपके बनते हैं, और इन चारों केसेस को कंसीडर करना होगा आपको. हर केसेस को आप कंसीडर करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को एसर्टेन करेंगे कि क्या वो वैल्यू पॉसिबल है. अगर नहीं पॉसिबल है तो उसको आप किक आउट करेंगे, फिर दूसरा केस लेंगे. जिस केस पे आपका कंडीशन फुलफिल हो जाएगा वही आपके सवाल का आंसर होगा. मतलब आप देखिए इस केसेस में, यहां मैं कह रहा हूं कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द थ्री ब्लॉक्स मूव टुगेदर. कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये ऐसे मोशन में फोर्स लगा, और फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, तो सारे तीनों के तीनों ब्लॉक इकट्ठे मूव कर रहे हैं, इनके बीच कोई रिलेटिव मोशंस नहीं हो रही, मतलब इनके बीच कोई स्लाइडिंग की एक्टिविटी नहीं हो रही. तो जब स्लाइडिंग की एक्टिविटी नहीं हो रही है, और आपको अगर ऐसा केस मिले, तो एक्चुअली में होता क्या है, सो समझिए. जैसे ही आपने यहाँ पे फोर्स एफ अप्लाई किया, फोर्स जैसे ही अप्लाई किया आपने, तो क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर्स में आएंगे. कैसे, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया 2 केजी के ब्लॉक पे, तो 2 केजी के ब्लॉक के मूवमेंट की टेंडेंसी क्या हो गई, टुवार्ड्स द राइट ईस्ट डायरेक्शन में हो गई.
तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 3 kg का ब्लॉक क्या चाहेगा कि इसके इस टेंडेंसी को मैं अपोज करूं, तो वो क्या करेगा इस 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर देगा, फ्रिक्शन फोर्स F1। क्लियर कट। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में डेवलप होने हैं, अगर 3 kg के ब्लॉक ने 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो उसे भी उस फ्रिक्शन फोर्स को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा फोर्सेस हमेशा जैसा करोगे वैसा पाओगे, फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होगा। तो भैया 3 kg के ब्लॉक पे भी 2 kg का ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स उतना ही मैग्नीट्यूड का लगा देगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स F1। अब जब 3 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगा तो ऑब्वियस है कि 3 kg के ब्लॉक की मूवमेंट की टेंडेंसी किधर की ओर हो गई, तो मूवमेंट की टेंडेंसी इसकी हो गई इधर की ओर, सॉरी इसकी मूवमेंट की टेंडेंसी क्या होगी 3 kg के ब्लॉक की इधर की ओर। फिर से समझिए इसको, मैं ये कह रहा था कि जैसे ही आपने फोर्स इस पे अप्लाई किया तो क्या होगा, 3 kg के ब्लॉक ने 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स F1 यहां लगा दिया, और इस क्या हो रहा है कि फोर्सेस पेयर में डेवलप हुआ, तो 3 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगा। अब जब 3 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगा तो इसकी टेंडेंसी क्या हो गई, इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी हो गई, इस टेंडेंसी को 7 kg का ब्लॉक तो बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, वो क्या करेगा इस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स F2 अप्लाई कर, ठीक है। अब जब 7 kg के ब्लॉक ने 3 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसको भी वो फ्रिक्शन फोर्स भुगतना पड़ेगा, तो उस पर भी जो है सो F2 फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर अप्लाई होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि फोर्स तो आप 2 kg के ब्लॉक पे ही अप्लाई कर रहे हैं, और आपका कहीं ना कहीं जो 3 kg और 7 kg का ब्लॉक भी मोशन में आ रहा है, तो उसको मोशन में लाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे यहाँ F1 फ्रिक्शन फोर्स, इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर 3 kg ब्लॉक, F2 फ्रिक्शन फोर्स, इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर 7 kg ब्लॉक, वही इसको मोशन में ला रहा है। तो अगर ये तीनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, देखिए ऐसे केसेस में क्या होगा, आपको क्या करना होगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या हम इसको पूरा सिस्टम मान लेंगे, जब ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं मैंने इसको पूरा सिस्टम माना, ठीक है। अब जब मैंने इसको सिस्टम माना तो ये जो फोर्सेस है F1 F2 ये सब क्या हो गए, ये सब इंटरनल फोर्स हो गए, तो इनका तो बॉडी के सिस्टम के एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन सिंपली आप लिखोगे एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा AC वो क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स जो आपने अप्लाई किया सो और बट्टा मास, मतलब 2 + 3 + 7, तो फोर्स आपने अप्लाई किया 10 N का और इस पे जो मासेज है वो कितना है, तो 12 N, मतलब ये बेसिकली हो गया आपको 5/6 m/s² का ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आप ये बताओ कि इस एक्सेलरेशन से आपका पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, मतलब इस एक्सेलरेशन से 2 kg का ब्लॉक भी मूव कर रहा है, 3 kg का ब्लॉक भी मूव कर रहा है, 7 kg का ब्लॉक भी मूव कर रहा है। अब दिखने से तो ये साफ क्लियर है कि 2 kg के ब्लॉक पे तो मैंने 10 N का फोर्स अप्लाई किया है, चांसेस है कि 2 kg का ब्लॉक उस एक्सेलरेशन से मूव करे, लेकिन 3 kg के ब्लॉक पे कोई डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये जांचना होगा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या इस 3 kg के ब्लॉक को इस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करवा पाने के लिए सक्षम है या नहीं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स F1 है या F2 है उस फिजिक्स इसके वैल्यू के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिट करता है, वो कहता है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब जो F1 फ्रिक्शन है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या हो जाता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है F1L हो जाता है, जो बेसिकली क्या हो जाता है, तो μ1 into नॉर्मल रिएक्शन N हो जाता है। तो जब आप F1 का जब आप इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा, μ1 की वैल्यू होगी 0.2, नॉर्मल रिएक्शंस निकालो तो नॉर्मल रिएक्शन 2 kg के वेट पे क्या नॉर्मल रिएक्शन, mg से काउंटर बैलेंस हो रहा होगा तो 2, मास हो गया 2, ग्रेविटेशनल फोर्स 10, तो ये कितना हो गया 4 N, मतलब इस F1 की वैल्यू मैक्सिमम 4 N ही पॉसिबल है। अगर 4 N का फोर्स इस कॉमन एक्सेलरेशन को ला पाने में सफिशियंट है तो ठीक है, अगर नहीं ला पाएगा तो ये केस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। उसी तरह से F2 का ले लो, तो F2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 मैक्स जो बेसिकली क्या है F2L लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, और वो क्या हो जाता है, तो यहाँ देखो जब F2 का वैल्यू लिखा हो तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या, μ2 × नॉर्मल रिएक्शन N, तो नॉर्मल इस ये पूरा सेटअप का मास क्या 2 + 3 kg, मतलब ये हो गया 5 × g 10,
0.3 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 10 मतलब 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपको निकालना होगा क्या चीज, इस एक्सेलेरेशन से मूव करते वक्त ये जो F2 की वैल्यू है वो कितनी है, और क्या वो वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू से कम है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 7 kg का इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 7 kg ब्लॉक, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन फॉर 7 kg ब्लॉक, या फिर आप उसको लोअर ब्लॉक भी लिख सकते हो, ठीक है, लोअर ब्लॉक। तो जब उस पर देखो तो क्या लिख सकते हो कि ये जो है सो आपको कॉमन एक्सेलरेशन एसी के साथ ये मूव कर रहा है। आप लिखोगे गैजेस की फ्रिक्शन फोर्स जो F2 है, जो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है, वो इक्वल टू गैजेस तो 7 kg और इंटू कॉमन एक्सेलरेशन एसी, तो गुना करो 7 × 5/6 मतलब 35/6। अब देखो कि F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो 15 न्यूटन है, तो ऑब्वियस है कि ये जो है सो 15 न्यूटन से कम है, ठीक है, लेस देन F2 मैक्स। तो ये तो समझो पॉसिबल केस दिखा। अब चलते हैं हम लोग 3 kg के ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 3 kg ब्लॉक, क्या चीज, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 3 kg फॉर अपर ब्लॉक, ठीक है, अपर ब्लॉक। तो देखो अपर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अपर ब्लॉक ये ऐसा है, इस पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका, फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर आपको F1 लग रहा है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम, इसको लिखोगे 10 माइनस फ्रिक्शन फोर्स F1 इज इक्वल टू कैचेस मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया 2 और एक्सेलरेशन आपने निकाला है 5/6। तो जब इससे जब कैलकुलेट करोगे तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 − 10/6 मतलब 50/6। तो ये बेसिकली क्या है, आपको 8 × 48 आएगा, जो बेसिकली ग्रेटर देन है आपको, सॉरी जो बेसिकली क्या है, तो आपको यहाँ पे ये ग्रेटर देन है किसका, तो F1L से, ठीक है। तो क्या ये केस पॉसिबल है कि आपको पता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 ही न्यूटन पॉसिबल है, फिजिक्स इसको 4 न्यूटन पर लाके रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन आपके एज्यूम्शंस और मैथमेटिक्स ने आपको इसकी वैल्यू 8 न्यूटन दी, जो पॉसिबल ही नहीं है, फिजिकली रियल लाइफ में संभव ही नहीं है। तो आप कहोगे कि ये जो एज्यूम्शन था कि ऑल द 3 ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ये एज्यूम्शन क्या था, रॉन्ग एज्यूम्शन था, क्या था ये, रॉन्ग एज्यूम्शन था। तो ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। अब हम लोग दूसरा एज्यूम्शन पे चलेंगे। दूसरा एज्यूम्शन यहाँ है कि द टॉप ब्लॉक मूव्स सेपरेटली बट द मिडिल ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक मूव टुगेदर। तुम देखो इसको कैसा है, ये देखो टॉप ब्लॉक क्या कर रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक सेपरेटली मूव कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है। यहाँ टॉप सरफेस पे यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है भाई, ठीक है, यहाँ स्लाइडिंग हो रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ये टुगेदर मूव कर रहा है। आप फिर से इस वीडियो को वॉच करो, देखो क्या हुआ, यहाँ ये दो सरफेस टुगेदर मूव कर रहे हैं और टॉप वाला जो है सेपरेटली मूव कर रहा है, मतलब देयर इज अ स्लाइडिंग एट द टॉप एंड मिडिल सरफेसेस। ये मेरा एज्यूम्पशन है। इस एज्यूम्पशन के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फोर्सेस के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देखो करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो ये क्या हो रहा है कि इसकी स्लाइडिंग हो रही है, टॉप ब्लॉक की क्या हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है। यू कैन सी टॉप ब्लॉक इज स्लाइडिंग ओवर द मिडिल ब्लॉक। तो यहां जैसे ही आपने फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो यहां जो इन दोनों कॉन्टेक्ट मतलब 3 kg का ब्लॉक जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही होगी। मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहां लगा रहा है 3 kg का ब्लॉक, ये एक्चुअली में क्या है, F1L होगा, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, स्लाइडिंग हुई मतलब क्या चीज की, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आया, और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही दे रखा है, स्टैटिक भी और काइनेटिक भी, तो मैक्सिमम वैल्यू पे आकर के फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाती है, स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी F1L। अब ये F1L है तो नेचुरली ये 3 kg के ब्लॉक पे भी अपोजिट डायरेक्शन पे ये फोर्स लग रहा होगा, तो ये रहा आपका यहाँ F1L ही लगेगा, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है।
अब देखो कि जब 3 kg के ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी कि वो इधर की ओर जाए। अब इस टेंडेंसी को कौन अपोज करेगा, नीचे वाला ब्लॉक, जेलसी, नीचे वाला ब्लॉक इस टेंडेंसी को अपोज करेगा, तो ये क्या करेगा, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स F2 इसने अप्लाई किया, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस सरफेस पे हमने अज्यूम किया है कि स्लाइडिंग हो ही नहीं रही है, तो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एक्चुअली क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा, मतलब उसका नेचर सेल्फ एडजस्टेबल टाइप का होगा, ठीक है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है इस वजह से, जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर, इसका नेचर क्या हुआ, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। और ये जो फ्रिक्शन हुआ, यहाँ स्लाइडिंग हो रही थी, तो ये हो गया डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो फोर्सेज ऐसे लगे। अब जब ऐसा हो रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये जो 2 kg का ब्लॉक है, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनाओगे, ये लो आपका ब्लॉक 2 kg का, ठीक है, मैंने ये 2 kg का ब्लॉक यहाँ बना दिया। अब इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक फोर्स तो 10 N का तुम लगा रहे हो इस पे टुवर्ड्स द राइट 10 N का, दूसरा तुम लगा रहे हो इधर की ओर, क्या चीज, F1L लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स F1L, और आपको इसका वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि जो F1L है इसकी वैल्यू क्या है, 4 N है, और F2L की वैल्यू कितना निकल रहा है, 15 N से पिक्चर पहले। तो जब आप यहाँ पे जब न्यूटन्स लॉ लगाओगे, ठीक है, इस ब्लॉक पे जब आप न्यूटन्स लॉ लगाओगे, आपने माना कि सपोज करो कि ये इसका तो एक्सीलरेशन आप A1 एक्सीलरेशन से इधर की ओर मूव कर रहा है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, 10 F1L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1, तो 10 F1L की वैल्यू हो गई 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1, तो यहां से जो A1 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 m/s², ठीक है। अब चलो ये जो 3 kg और 7 kg का जो ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है क्योंकि ये टुगेदर मूव कर रहे हैं, तो ये F2L तो उसका इंटरनल फोर्स हो गया, मतलब मेरा सिस्टम कैसा हुआ ऐसा, देखो इसको यू, ये मेरा कंबाइंड ये सिस्टम हुआ, ठीक है, ये 3 kg का हो गया और ये 7 kg का हो गया, यहां जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो इंटरनल फोर्स हो गया, वो तो पिक्चर में आएगा नहीं, और तब इस पे जो फोर्स लग रहा है एक्चुअली में ये क्या लग रहा है, F1L फोर्स लग रहा है, और ये जो सरफेस है जिस सरफेस पे ये रखा है ये क्या है, ये सरफेस है स्मूथ, जब ये सरफेस स्मूथ है तो ये कोई फ्रिक्शन अप्लाई करेगा नहीं, तो उस केसेस में जब आप इस पे आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जब इस पे लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इस सिस्टम पे लगाओगे तो क्या लिखोगे कि इसका जो एक्सेलरेशन, इसका कॉमन एक्सेलरेशन होगा अगर, तो इसको क्या लिखोगे यहां से, इसका मान लो कि A2 एक्सेलरेशन तुम माने, तुम लिख सकते हो यहां से कि A2 इज इक्वल टू कितना, F1L जो फोर्स हुआ सो, ठीक है, और बट्टा जो टोटल मास हो गया 7 × 10, तो बेसिकली ये 4 / यहां पे 10, तो ये हो गया 0.4 m/s². अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या ये जो 0.4 m/s² है ये फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब कि देखो यहां से कि ये 3 kg का ब्लॉक और 7 kg का ब्लॉक जब इकट्ठे मूव कर रहा है, इस केस में तो एक्सेलरेशन ये आया, ठीक है। अब यहां पे देखो तो एक्चुअली में क्या है कि इस 7 kg के ब्लॉक को, ठीक है, इस एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए आपको यहां पे क्या होगा, ये किस वजह से चल रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स F2 की वजह से चलेगा, ये जो F2 की वजह से ये चलेगा, क्योंकि जब 7 kg के ब्लॉक ने इस पे अप्लाई किया तो साइमल्टेनियसली ये ड्राइविंग फोर्स को गेन कर लेता है रिएक्शन के तौर पे, तो ये F2 फोर्स की वजह से चलेगा। तो क्या देखो कि F2 की वैल्यू इस एक्सेलरेशन के लिए कितनी आती है, तो F2 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 7 और इनटू एक्सेलरेशन जो ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन, तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन में यही हुआ 0.4, ये कितना आ गया 2.8, वो क्या लेस देन क्या है F2L है, इसका मतलब ये केस क्या है, ये केस पॉसिबल है, और अगर ये केस पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि आपका जो 2 kg का और 3 kg का जो ब्लॉक है, मतलब 2 kg का ब्लॉक आपको 3 m/s² की एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और ये 3 और 7 kg के ब्लॉक आपको 0.4 m/s² से मूव करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो A1 है इसका जो आपका एक्सेलरेशन है, सॉरी ये जो आपका A1 है ये आ गया आपको 3 m/s²
A2 क्या आ गया तो 0.4 और यहां से A3 कितना आ गया सेम 0. ठीक है, तो अब आपको जरूरी नहीं है कि आप थर्ड केस ये वाला केस भी आप कंसीडर करो, ये आपको जरूरी नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि टॉप एंड मिडिल ब्लॉक मूव टुगेदर, मतलब इस तरह का केस कि टॉप और मिडिल ब्लॉक मूव टुगेदर हो रहे हैं और ये इस पे स्लाइडिंग क्या हो रही है इस केस पे, यहां पे स्लाइडिंग हो रही है, तो इस केस को आपको कंसिडर करने की जरूरत, नो नीड टू कंसिडर दिस केस, नो नीड टू कंसिडर दिस केस, क्यों, क्योंकि आपका रिजल्ट आपके सेकेंड एज्यूम्पशन से ही निकल गया, सो नो नीड टू कंसिडर दिस केस, आपने ए सवाल का आंसर निकाल लिया। उसी तरह से जब आपसे पूछा जाता है, उसी तरह से जैसे कि ऑल द थ्री ब्लॉक मूव टुगेदर, आपको इस केसेस को भी नो नीड टू कंसिडर क्या करना है, सॉरी इस केसेस को भी आपको नहीं कंसिडर करना है, ये जो केस है आपका इसको भी आपको कंसीडर नहीं करना है, नो नीड टू कंसीडर, नीड टू कंसीडर क्यों, क्योंकि पहले केस में ही आपने रिजल्ट निकाल लिया। उसी तरह से आपको भी सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। अब इस केसेस में भी आपको इतना, जब आप 10 न्यूटन का फोर्स मिडिल वाले ब्लॉक पे अप्लाई करोगे तो उस केस में भी आपको इतने एज्यूम्पशंस को लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ फिर वो एक लंबा क्लमजी प्रोसेस हो गया भाई, आप इसको इस प्रोसेस को इसमें मतलब इस केस को कंसिडर करो, फिर इसको एलिमिनेट करो, फिर इस केस को कंसिडर करो, कोई ना कोई केसेस ऐसा होगा जहां मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो उसका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ तो केस काफी सिंपल है, अब जैसे ही कंसिडर करोगे कि इसका आंसर निकल जाएगा, जैसे इस केसेस में है कि 10 न्यूटन का फोर्स जब बीच वाले पर अप्लाई किया आपने तो एक्चुअली में क्या हुआ, सो देखो पहले हुआ क्या, फिजिक्स क्या हुआ इसमें, जब आप 10 न्यूटन का फोर्स मिडिल वाले ब्लॉक पे अप्लाई करते हो क्या रहा है कि 3 kg ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, इधर जाने की होगी, अब इस टेंडेंसी को दोनों पड़ोसी जो है सो जलन की वजह से उसको अपोज करेगा, मतलब फ्रिक्शन लगाएगा, तो 2 kg का ब्लॉक फ्रिक्शन लगाएगा किधर की ओर, इधर की ओर, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स F1। अब 2 kg के ब्लॉक ने फ्रिक्शन लगाया तो उसको भी उसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि फोर्सेस तो हमेशा पेयर में डेवलप होंगे, तो 3 kg का ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में जो है इस पे फोर्स लगा देगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1। ठीक है, उसी तरह से 7 kg के ब्लॉक के साथ भी होगा, 7 kg का ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में F2। ठीक है, तो उसको भी सामना करना पड़ेगा, इस पे एक F2 लगेगा और ये सरफेस क्या है आपका फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फ्रिक्शन लेस है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से तीनों केस कंसीडर करिए कि ऑल द थ्री ब्लॉक्स मूव टुगेदर, पहले बेसिक केस को कंसीडर करता हूं, आइए चलिए, ये है ऑल द थ्री ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो जब तीनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे उस केसेस में कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगा, सिंपल सी बात है, टोटल फोर्स आप लगा रहे हो 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और मास हो गया आपको कितना, तो 12 kg का, तो ये बेसिकली 5/6 m/s², ये एक्सेलरेशन जो है इस पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन ये निकला आपके एज्यूम्पशन के हिसाब से। अब ये एज्यूम्पशन कहां तक सच है, इसको कैसे लगाओगे, तो इंडिविजुअल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो जैसे 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, जैसे 2 kg का ब्लॉक है, तो 2 kg के ब्लॉक पे क्या फोर्सेस, यहीं से देखो, जब आपने ड्राइविंग फोर्स अप्लाई किया तो इस ब्लॉक ने जो है 3 kg के ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया था, क्या था ये फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स था F1। ठीक है, और इसी वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 3 kg का ब्लॉक इस पे F1 अप्लाई किया, तो बेसिकली 2 kg के ब्लॉक पे जो एक ही ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स यहां से F1। ठीक है, जो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा है एक्चुअली में इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है, तो जब आप निकालोगे कि ये F1 की क्या वैल्यू होगी इस एक्सेलरेशन से 2 kg को मूव कराने के लिए, तो F1, ठीक है, सिंपल F1 इज इक्वल टू क्या चीज, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 × 5/6 जो कि क्या बेसिकली 10/6, मतलब लेस देन F1L, जो लिमिटिंग वैल्यू से कम है, तो ये भी पॉसिबल केस हुआ। उसी तरह से 7 kg का ब्लॉक ले लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, 7 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इस पे जैसे ही आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये 7 kg का ब्लॉक इसके मोशन को अपोज करने के लिए इधर की ओर जो है एक फोर्स अप्लाई कर दिया इसने, कैचेस फ्रिक्शन फोर्स F2। अब जब इसने ये काम कर दिया तो इसको भी भुगतना पड़ेगा, तो इस पे भी एक फोर्स अप्लाई किया 3 kg के ब्लॉक ने, फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर F2।
और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स एक ही फोर्स पिक्चर में है, इस पे फोर्स F2, बाकी वर्टिकल फोर्सेस पिक्चर में है, जो इसका ये वेट mg होगा, सो नॉर्मल रिएक्शन में ये सब पिक्चर में, तो फिलहाल तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन में कंसर्न हूँ, तो इस पे फोर्स अप्लाई हुआ F2। अब देखो कि F2 की जो वैल्यू है इस 7 kg के ब्लॉक को इस एक्सेलरेशन के साथ, कॉमन एक्सेलरेशन ac के साथ मूव कराने के लिए कितनी आती है, तो ये हो गया 7 इंटू ac मतलब 5/6 मतलब 35/6 जो कि लेस देन क्या है, तो F2 L के बराबर है। इसका मतलब ये चीज अब तय हो गया कि ये तीनों का तीनों ब्लॉक इकट्ठे हमारे क्या कर रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो AC मतलब बेसिकली जो A1 is equal to A2 is equal to A3 and this is equal to 5/6, ये इसका जवाब है। तो अब जब एक केस में ही आपका आंसर आ गया तो फिर बारी बारी से दूसरा तीसरा केस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसी तरह से आपके पास क्या है कि जब 7 केजी के ब्लॉक पे इधर की ओर जब आप 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहां भी आपको उन सारे केसेस को कंसीडर करना है, ठीक है। लेकिन होता क्या, फिजिक्स क्या है कि जैसे ही आपने 7 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया तो क्या करेगा, ये 3 केजी का ब्लॉक को एक चीज पसंद नहीं आएगी, वो उस पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसके सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में, इसने इधर की ओर, सॉरी मैं स्ट्रेट नहीं बना पाया, इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स इसने अप्लाई कर दिया F2। जब 3 केजी के ब्लॉक में इधर F2 अप्लाई किया तो उसको भी एक रिएक्शन फोर्स झेलना पड़ेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स ये F2 के बराबर ही हो जाएगा, रिएक्टिव फोर्स हुआ F2। अब जब 3 केजी के ब्लॉक पे ये फोर्स लगा, ड्राइविंग फोर्स जो इसके मोशन को इधर की ओर मूव करवा सकता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर की ओर ले आया, तो ये चीज 2 केजी के ब्लॉक को पसंद नहीं आएगी, तो वो क्या करेगा भाई, वो इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देगा इस सरफेस पे F1। अब जब उसने 2 केजी के ब्लॉक में इस पे फ्रिक्शन फोर्स F1 अप्लाई कर दिया तो उसको भी झेलना पड़ेगा इसके रिएक्शन को, तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स F1 इधर की ओर लग जाएगा। तो आपने अप्लाई किया 7 न्यूटन का फोर्स 7 केजी के ब्लॉक पे, लेकिन फ्रिक्शन ने आपके द्वारा अप्लाई किए गए फोर्सेस को भी ड्राइविंग फोर्स में कन्वर्ट कर दिया 3 केजी के ब्लॉक के लिए और 2 केजी के ब्लॉक। अब ऐसे केसेस में जब आप ये अज्यूम करोगे, पहला अज्यूमशन कि माना कि ऑल द 3 ब्लॉक्स मूव टुगेदर, All three block move together, ठीक है, move together। अगर आपने ऐसा assumption किया, ठीक है, कि all the three blocks are moving together, ये assumption अगर आपने किया, ठीक है, तो ऐसे cases में क्या होगा कि आपको एक common accelerations की value आएगी। क्या आएगी common accelerations की value, तो भाई total जो force आपने apply किया, तो force तो आप यहाँ पे 10 न्यूटन का apply कर रहे हो, ये 10 न्यूटन का फोर्स बट्टा मास हो गया आपका 12 केजी, तो ये बेसिकली 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि ये पता करना है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा था F1 या F2, क्या ये ड्राइविंग फोर्स इन ब्लॉक्स को इस कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन और 2 केजी ब्लॉक और 2 केजी ब्लॉक, तो देखो क्या होगा, ये रहा 2 केजी का ब्लॉक, ठीक है, और इस पे फोर्स मास लग रहा है F1, और आप कह रहे हो कि ये कॉमन एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू 10/12 से मूव कर रहा है, तो न्यूटन लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू 2 × 10/12, तो ये 20/12 है जो कि लेस देन 4 है, जो लेस देन क्या, बेसिकली लेस देन 4 मतलब लेस देन क्या हो गया, तो ये F1 L से लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस सरफेस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ पे लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा इससे कम है, मतलब स्लाइडिंग की कंडीशन नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है मतलब ये केस फुलफिल्ड हो गया। उसी तरह से आप देखो यहाँ से 7 केजी के ब्लॉक, अब 7 केजी के ब्लॉक पे जब आप न्यूटन लॉ लगाओगे तो क्या लगाओगे, ये रहा आपका 7 केजी का ब्लॉक, और इस 7 केजी के ब्लॉक पे आपने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, और साथ में ये 3 केजी का ब्लॉक इस पे लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और ये दे रखा है कि ये ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ तो तुमको लगाने आता है, तुम लिखोगे 10 माइनस फ्रिक्शन फोर्स F2 दिस इज इक्वल टू मास 7 इंटू यहाँ पे 5/6, तो F2 की वैल्यू जो निकालोगे F2 इज इक्वल टू 10 माइनस 35
बाय सिक्स, ये किसकी वैल्यू, ऑब्वियस है कि लेस देन क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि लेस देन क्या है, 15 होगा, और लेस देन 15 मतलब क्या होगा, लेस देन क्या होगा, एफ टू एल इस सरफेस पे जो स्लाइडिंग के लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है उससे कम हो गई, मतलब कम हो गई मतलब पॉसिबल हो गया ये केस। तो कहीं ना कहीं आप कहो कि पहले केस में ही आपको इस सवाल से जान छूट गया, तो ये मैं गारंटी नहीं कह रहा हूं कि किस केस में जाकर के आपकी जान छूटेगी, ठीक है, बट यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी टिल यू रीच्ड ए राइट प्रोबेबिलिटी। जब तक सही आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं अचीव होगी तब तक आपको मैथमेटिक्स लगाना है, फिजिक्स लगाना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा सवाल था एस सी वर्मा का, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, थैंक यू वेरी मच।